अवैध शराब का जखीरा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 7 लोग हुए गिरफ्तार। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 19 अगस्त 2020 को अफसरों की आंख में धूल झोंक कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रम, शराब बनाने के उपकरण, अल्कोहल, केमिकल समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इसे अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही बताया है। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसे जाने से हड़कंप का माहौल है। बताते चलें कि गोपनीय सूचना पर स्वाट टीम और धम्मौर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें फर्जी QR कोड 350, फर्जी लेबल 400, CC रंग 225, पौवा प्लास्टिक ढक्कन 220, मिश्रित संदिग्ध अल्कोहल ड्रम समेत उपकरण बरामद किए गए हैं, जिस पर धोखाधड़ी, चलकूट रचित दस्तावेज प्रपत्र तैयार करने, जिसके आधार पर फैक्ट्री संचालन दर्शाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा धम्मौर थाने में पंजीकृत किया गया। थाना अध्यक्ष रवि कुमार सिंह के मुताबिक ये लोग अवैध तरीके से नकली शराब बनाने का गोरख धंधा चला रहे थे। तो वहीं क्षेत्राधिकारी नगर सतीश चंद्र शुक्ल कहते हैं कि स्वाट टीम और स्थानीय थाने की संयुक्त कार्यवाही में ये लोग पकड़े गए हैं। इन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज सुल्तानपुर जनपद में थाना धम्मौर की पुलिस स्वाट प्रभारी तथा आबकारी विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें 62 पेटी जिसकी मार्केट कीमत 2,25,000 के आसपास है बरामद की गई है। इसके साथ ही 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध शराब के बनाने के उपकरण, QR कोड, CC रंग और उनके लेबलिंग के सामान बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया थाना स्थानीय में और उनको विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर जेल भेजा जा रहा है।